नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने आज दिव्यांग आधा दर्जन की संख्या में अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो हमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जीवन यापन करने के लिए आधार केंद्र का रोजगार दिया गया था, उसे अब छीन लिया गया है, जिससे दिव्यांगों का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गया है। शासन प्रशासन से इनकी मांग है कि इनको पुनः आधार सेंटर का रोजगार दिया जाए और आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे सुचारू रूप से चालू करें। अगर बेरोजगार दिव्यांगों की मांग नहीं मानी गई तो इनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कलेक्टर कार्यालय के सामने जारी रहेगी। हमारा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। तो समस्या ये है कि ये बेचारे दिव्यांग है और अपनी जीविका चला रहे हैं। इनके गांव, इनके पंचायत में सीतापुर में सरपंच और सचिव मुस्लिम समुदाय के हैं, तो कुछ न कुछ टिश्यू बनाकर इनके साथ प्रतिदिन गाली गलौज करते हैं। कहीं ये बोलेंगे कि भीड़ इकट्ठा किए हो कोरोना महामारी के चलते, इसमें से इनके साथ गाली गलौज करेंगे, और कहीं बोले कि ज्यादा पैसा ले रहे हो। गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनकी सिग्नेचर कोरे कागज में करवाकर फिर उसमें कुछ लिख कर गलत इनके पर शिकायत यहां पर देंगे। उसी शिकायत के माध्यम से इनका आधार सेंटर बंद कर लिया गया। तो हम ये आग्रह करेंगे सबसे कि इनके बेचारे की जीविका चल रही थी वो चालू करा दिया जाए, बेवजह क्यों बंद किया गया। ये शिकायत कोर्ट में भी आप लोगों ने कही थी? जी यही है, कलेक्टर महोदय के पास उन्होंने लिखित में शिकायत आश्वासन दिया गया, अभी कुछ नहीं दिया गया सर। उसके बाद 2 महीने बाद आधार सेंटर छीन लिया गया। हमारे ग्रामीण से कुछ मुसलमानों तंग कर रहे थे, शिकायत करके मेरा आधार सेंटर बंद करा दिया गया। इन निराकरण के कलेक्टर महोदय जी आधार सेंटर बंद कर दिया। मैं पुनः आग्रह करूँगा कि हमारे विकलांग संगठन जो मैं कुछ खर्च देता था इसी के माध्यम से, तो पुनः चालू कर दिया।